दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टीरियस वीडियोस के एक और बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड में। ये वीडियोस न सिर्फ आपको हैरान करके रख देंगी, बल्कि अगर आप हॉरर चीजों से डरते हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखना। तो ये रहस्यमय वीडियोस का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वीडियो में दो बच्चे कमरे में बिल्कुल शांत इस तरह बैठे हुए थे जैसे किसी ने इन पर जादू किया हो। ये न तो हिल रहे थे और न ही किसी से बात कर रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो रहा था? कुछ दिनों से ही इन लड़कों के भाई अलेक्स लोजा को कमरे में कोई अजीब सा चेहरा नजर आ रहा था, जो अब उसके भाइयों को भी नजर आने लगा था। अलेक्स ने फौरन अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जिस अलमारी की तरफ ये लड़के देख रहे थे उस तरफ कैमरा किया तो वहाँ कोई अजीब सा धुंधला चेहरा उन्हें एक टक देख रहा था। अलेक्स फौरन अलमारी की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। तो क्या ये कोई आत्मा थी जो उन्हें लगातार घूरे जा रही थी? आपको क्या लगता है जरूर बताना। ददंग इंडोनेशिया का रहने वाला एक आदमी है जो इंडोनेशिया से बाली किसी काम से जा रहा था। ददंग ने इससे पहले कभी प्लेन में सफर नहीं किया था, इसलिए वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहता था। ददंग इस प्लेन पर सवार होने वाला पहला व्यक्ति था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनसे आगे कोई भी प्लेन बोर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन ददंग ने जब अपनी पत्नी को ये वीडियो भेजा तो उसकी पत्नी ने इस वीडियो में कोई अजीब चीज देखी। अगर आप गौर से देखें तो कोई प्लेन की एक सीट पर बैठा नजर आ रहा था, लेकिन जब कैमरा उसके करीब गया तो वहां कोई भी नहीं था। ददंग ने यह वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर की और इस वीडियो को 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा और किसी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे कौन था। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपने काफी वीडियोस देखी होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप बहुत ज्यादा सोचने पर जाएंगे। ध्यान से देखिए वीडियो को, जिसमें आपको एक काली बिल्ली रास्ते के किनारे से जाते हुए नजर आएगी। कुछ देर बाद बिल्ली वहाँ के कोने के पास कुछ देर रुक जाती है और वहाँ पर कुछ तो देख रही थी, और तभी वहाँ अचानक आग जलने लगती है जिसके बाद वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। आग के अचानक जलने का कोई कारण तो वीडियो में नजर नहीं आ रहा है, तो सच में क्या बिल्लियों के पास शक्ति होती है? आपको क्या लगता है आखिर बिल्ली के वहाँ से जाने के बाद आग कैसे लगी होगी? अपनी राय जरूर दे। कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड किए, जो आजकल काफी नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस बार कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन दोस्तों के साथ फोटो में कोई और अजीब सा जीव भी दिखाई देता है जिसे उस वक्त वहाँ किसी ने नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब इन फोटोज को गौर से देखा गया तब इन्हें इसका पता चला और ये जीव इंसानों की तरह नहीं दिख रहा था। तो क्या ये कोई एलियन है या कुछ और? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई अजीब सा क्रिएचर दुनिया के किसी हिस्से में देखा गया हो। कुछ दिन पहले का ही ये वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों ने समंदर के बीच एक अजीब से जीव को पानी पर तैरते देखा। इस तरह का जीव इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके आकार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इस प्लेनेट का कोई जीव है, तो वही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये समंदर की गहराई में रहने वाला कोई जीव हो सकता है जिसे इससे पहले कभी देखा नहीं गया होगा ज्यादा। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर में आज भी कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है कि ये उन्हीं जीवों में से एक हो।
टेक्नोलॉजी के इस दौर में आज हम काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसे में हवा में उड़ते हुए इस जेट को देखकर आपको ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो आज या कल नहीं बल्कि 1960 की रिकॉर्डिंग है और उस समय शायद ही किसी देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। इस क्लिप को बर्टिश घोष नामक एक यूजर ने रेडिट पर पब्लिश किया था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये कोई यूएफओ हो सकता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि 1980 में अमेरिका में इस तरह का जेट डिजाइन किया गया था, जो उस समय से काफी आधुनिक खोज थी। ये उसी का एक प्रोटोटाइप है, लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान है। असल में ये एक एक्स जेट था या कुछ और, आज भी किसी को नहीं पता। अब जो क्लिप आप देखने वाले हैं वो 3 अक्टूबर 2011 को एक पब्लिक वॉशरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था, जो कुछ दिन पहले ही बहुत वायरल हुई है। आप देख सकते हैं कि एक आदमी टॉयलेट से बाहर आकर अपने हाथ धो रहा था, तभी एक और आदमी टॉयलेट से निकलकर बाहर आता है, लेकिन इस सूट पहने आदमी की परछाई वहां लगे मिरर में नहीं दिखाई देती और वो वहां से निकल जाता है। पहले आदमी को भी पता नहीं चलता कि उसके पीछे कोई आदमी निकल गया। इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने कहा कि ये कोई कैमरा ग्लिच या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, लेकिन परछाई के अलावा बाकी सब इस क्लिप में नॉर्मल नजर आता है, तो ग्लिच होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो क्या ये वीडियो बनाया हुआ हो सकता है या फिर असली, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उस आदमी को न उससे पहले कभी देखा गया था और न उसके बाद। स्पेस में मौजूद ब्लैक होल के बारे में किसने नहीं सुना होगा। माना जाता है कि जो भी चीज इसके पास जाती है वो उसे अंदर खींच लेती है, और उसके अंदर आखिर क्या है ये आज तक अच्छे से पता नहीं चल पाया है। नासा ने ब्लैक होल से आने वाली कुछ आवाज रिकॉर्ड की जो ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये किस चीज की आवाज है ये साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये स्पेस में मौजूद ब्लैक होल की आवाज है। इस वीडियो में एक पिता अपनी बेटी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो बच्ची उनकी तरफ चलकर आ रही थी, तभी उसके पिता ने वहां कुछ बहुत ही अजीब चीज देखी, जिसे शायद आपने भी मिस कर दिया होगा। ये बच्ची जब उस बुश के पास से जाती है तो वहां किसी की परछाई नजर आती है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा आदमी यह देखकर काफी डर जाता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। Oh, May, May, May. Para atrás a ver qué es lo que fue. Yo te sigo. Por aquí se movió algo. Por aquí, por este árbol. जिसके बाद जब वो उस बुश के पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इसके अलावा इस वीडियो की शुरुआत में अगर गौर से देखा जाए तो एक काली परछाई उस बच्चे के पीछे खड़ी नजर आती है। तो ये तो कहना मुश्किल है कि ये वीडियो असली है या फिर नकली, लेकिन इस वीडियो को देखकर जो डर लगा है ना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सच में इस वीडियो ने काफी डरा दिया। अगली वीडियो पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। ये क्लिप एक हॉस्पिटल की है जहां एक आदमी बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और उसे देखकर किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर शांत करने की कोशिश की और तुरंत ही वो सभी को पहचानने लगा और नॉर्मल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई एक्सपर्ट्स ने अपनी राय देते हुए कहा कि ये इंसान आत्मा के वश में था जो उससे ये सब करवा रही थी।
जिम जाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस जिम में एक अजीब सी बात देखी गई। जब कोई अजीब से भूतिया कपड़े पहनकर जिम करने आया, सब लोग उसे देखते रह गए। लेकिन उसके बाद उसने जो किया, उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस आदमी या घोस्ट फेस ने 306 किलो वजन ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। I am training for my next appearance on the big screen, so why not go out with one last show? यकीनन ये कोई आदमी है जिसने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन इसकी काबिलियत देखकर हर एक इंसान दंग हो गया। कुछ दोस्तों को देर रात पत्थरों के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका पता लगाने के लिए वो उस जगह देखने गए। आवाज के नजदीक जाने पर उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अचानक से कोई अजीब सा चेहरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे आदमी को दिखाई देता है, जिसके बाद वो सभी वहां से चिल्लाते हुए भागते है। Allah. Hocam. Kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Taş atıyor biri. Hocam bu ne ya? Ana. Oğlum. O ne? Hocam. Vallahi içeride bir şey var. Uyarıyorlar. Kaç. Var ya, burada bir şey sıkışmış bak. Taşın içinde bir şey var. Ana ne oluyor? Hocam. 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 वीडियो में दो बड़ी काली आंखें देखी जा सकती है, लेकिन न तो ये कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान, तो आखिर वो कौन था? गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।